हिमाचल में कड़ी सुरक्षा के बीच चारों सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सिराज के मुहारक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लाइन में लगकर वोट डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सुबह से वोटिंग का ट्रेंड अच्छा है, लोग अच्छे रुझान के साथ वोट कर रहे हैं। रुझान का अभिप्राय ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट के लिए लेने के लिए मतदान केंद्र पर आए हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब के इस चुनाव में जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की होगी, देश में सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और हिमाचल में शत प्रतिशत योगदान भारतीय जनता पार्टी का, जैसे 2014 में रहा, चारों सीटें भाजपा की, अब की बार भी चारों सीटें भाजपा की। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए मंडी से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट।